जीवन और मौत का फासला बहुत कम है, क्योंकि गाजा पट्टी से एस्केलोन काफी नजदीक है, लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं एस्केलोन में, जो गाजा पट्टी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। कल रात को यहां मिसाइल से हमला हुआ और स्थिति आपको दिखाएंगे, कैसी स्थिति ये देख सकते हैं। जो मोटे मोटे कांच है वो बिल्कुल टूट गए हैं, यहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया है। करम सिंह आप क्लोज मत जाइए, वहाँ ओपन एरिया है, ये आप गड्ढा देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मिसाइल फटता है, आप इधर दूसरी तरफ आपको दिखा दें, करम से कहेंगे ये देखिए, हर तरफ कांच का, बाहर अभी आप थोड़ा वक्त दीजिएगा, इस तरह से कांच हर जगह बिखरा पड़ा है जब मिसाइल हमला होता है। और स्प्लिंटर का इफेक्ट क्या होता है यहाँ की दीवारों में आप देख सकते हैं, जो स्प्लिंटर निकलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब मिसाइल दागे जाए तो आप लेट जाए जमीन पर, ये स्प्लिंटर यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं। प्रभाव क्या होता है यहाँ के कांच, ये जो दरवाजा है ये, इसकी स्थिति क्या हो गई है ये आप देखिए, ये आपको दिखाना चाहेंगे। हम बात भी करेंगे यहाँ से, आप बात करेंगे, इधर आइए करम, आप दूसरी तरफ मैम प्लीज़ यू कैन कम, मैम प्लीज़ कम दिस वे, आपको बात करेंगे कैसे कुछ हुआ था, हाउ इट ऑल हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड। व्हेन इट हैपेंड 4 o'clock yesterday when I just come from shopping. 4 a.m. I just come from shopping. I hear the alarm going with his my sons to the stairs because my house is upstairs, and his son protects us. Then we heard a lot of bombing. We know it was near, and then we got out. We seen this, and all the apartments are injured. 4 बजे सुबह में, यानी रात को ये यहाँ पहुँची। और इधर आपको दूसरी तस्वीरें दिखा दे, यहाँ अलग-अलग जगह बमबारी हुई है, वो तस्वीरें दिखा, यहाँ देखिए, ये सामने में 7वें फ्लोर पे, वहाँ भी एक मिसाइल गया था, बॉम्ब गया था। यहाँ करम आपको दिखा रहे हैं 7वां फ्लोर, यहाँ से दिखाइए करम, ये इलाका दिखाइए, इधर आकर क्लोज, इधर से दिखाइए, ये आपको दिखाते, हर घर की स्थिति देखिए, वहाँ सामने में देखिए, आपको दिख रहा होगा हर तरफ मिसाइल से हमला हुआ है। वो सामने में जो बिल्डिंग है, नीचे एक होल आपको दिख रहा होगा, वहाँ बॉम्ब से हमला हुआ है, ऊपर में मिसाइल से हमला हुआ है। और इधर ये जो घर है, ये जो सामने हमारे बिल्डिंग है, यहाँ भी एक मिसाइल बॉम्ब यहाँ पहुँचा था। तो अलग अलग जगह लगातार मिसाइल से हम लोग, कांच जो है वो टूटे और बिखरे हुए दिखते हैं। ये मैडम जो हमारे गाड़ी के साथ थी, इन्होंने हमें बताया कि जब रात को 4 बजे आई तो इनके बेटे ने, जो यहाँ आपके, योर सन सेव्ड हिम, माय सन इज एंड आई एम पैरामेडिक इन इजराइल एंड व्हेन द बॉम्ब कम हियर We go out to help the men. बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि इनके बेटे आपके पास, और हम कोशिश करेंगे आपके थ्रू ये जानने की कि क्या बेसिक फैसिलिटीज जो वहां पर हैं वो भी डिस्ट्रप्ट हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है दक्षिणी इसराइल से, जहां एक बार फिर से रॉकेटों से अटैक किया गया है। और दक्षिणी इसराइल में लगातार इस वक्त सायरन बज रहे हैं, एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और एयर अलर्ट के लिए ही ये सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि हमले के हालात में लोग अपनों को सुरक्षित कर सकें और सुरक्षित जगहों पर छिप सकें। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि जब इसराइल की ओर से अटैक किया गया, रात में एयर स्ट्राइक की गई, तो उसके बाद एक बार फिर से हमास एक्टिव दिखाई दे रहा है। और हमास की ओर से पहले भी जब इसराइल पर अटैक किया गया था 4 दिनों पहले, तो सबसे पहले दक्षिणी इसराइल को ही निशाना बनाया गया था। तो और एक बार फिर से दक्षिणी इसराइल को ही निशाना बनाया गया है, जहां एक बार फिर से रॉकेटों से अटैक किया गया है, और दक्षिणी इसराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि हमले के हालात में लोगों को अपने सुरक्षित स्थानों में, बंकर्स में जाने की, छिपने की जगह मिल सके। तो साउथ इसराइल एक बार फिर से टारगेट पर है हमास के, हिजबुल्ला के भी, क्योंकि उस तरफ लेबनान से हिजबुल्ला जो मिलिटेंट आउटफिट है वो भी लगातार टारगेट कर रही है, और इधर से हमास, यानी कि दो दो मोर्चों पर इसराइल इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है, लोहा ले रहा है, लेकिन लगातार सायरन बज रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। और ऐसे में इसराइल की ओर से साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि जिस तरीके से ये दोनों ही मोर्चों पर अटैक किए जा रहे हैं, इसराइल चुन चुन कर मारेगा। लेकिन ये महज सिर्फ इसराइल की बात नहीं है, आपको बताते चले कि जॉर्डन और मिस्र भी इसराइल के खिलाफ ही रहता है, और वो सॉलिडेरिटी दिखा रहा है इस वक्त हमास और हिजबुल्ला से। ईरान भी इस वक्त इसराइल के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जो बाइडन की ओर से एक बहुत बड़े सपोर्ट का वादा किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका फूट्स ऑन ग्राउंड इसराइल में भेजेगा। और क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वॉर जोन से नीरज रिपोर्ट कर रहे हैं,
नीरज, अगर वहां पर कोई मौजूद हो तो उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो वहां की बेसिक फैसिलिटीज हैं, एमेनिटीज हैं, क्या वो डिस्टर्ब्ड हुई हैं? देखिए, अगर यहां से कुछ दूरी पर जाए वहां बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हुई हैं। इजराइल ने फूड, ईंधन और पानी, उसकी सप्लाई, अगर आप यहां से आगे जाते हैं तो आपको पानी ले जाना होगा। यहां कुछ कुछ दुकानें एस्केलोन में खुली हुई हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया, हम यहां के लोगों से भी पूछते हैं, जानते हैं, लेकिन आसमान में लगातार मिसाइल की आवाज़, बम की आवाज़, धमाके की आवाज़ आ रही है। कई बार कैमरे के पास नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे हम बादलों की गर्जन सुनते हैं, वो यहाँ 24/7 है। आपको बता दें मैम, टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद वाटर, ऑयल? Everybody go to shop, water, food, like the army told us, and we don't know what's going to be. We're very, but, very afraid. When we will go to southern part of Israel, towards Gaza Strip, there is no water, no in. There is building, there is no electricity. I got friends there, they with 6 and 7 children. No water, no electricity, no food. But the army brings. नीरज, आपका रुख करेंगे जिस महिला से, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उन्हीं से बात करिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने देखिए जिक्र किया है कि दक्षिण इसराइल में उनके कुछ जानने वाले रहते हैं। दक्षिण इसराइल में क्या कुछ हालात हैं, उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि दक्षिण इसराइल को हमास ने एक बार फिर से अटैक किया है, निशाना बनाया है। देखिए, दक्षिण इसराइल में ही इस वक्त हम लोग हैं, हमास से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम लोग हैं। एस्केलोन दक्षिण इसराइल का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ से जेरोट, रीम और दूसरे जो शहर हैं गाजा स्ट्रिप से, यानी गाजा पट्टी के बगल में, वो यहाँ से महज 4 किलोमीटर हैं। वहाँ गाजा पट्टी में इसराइल ने फूड, ईंधन, पानी को रोक रखा है, ताकि गाजा में पहले से भी ब्लॉकेट था, लेकिन हमास के हमले के बाद स्थिति और बेकार हो गया। हम लोग भी दक्षिण इसराइल में हैं, एस्केलोन में लगातार हमला हो रहा है, इसीलिए एस्केलोन शहर जो है वो सबसे बड़ा शहर है आज की तारीख में इसराइल का, जो इस हमले से प्रभावित हुआ है। और यहां से दक्षिण में जाएंगे, वहां सड़कों पे बहुत जगह लाशें पड़ी हुई हैं, जो इसराइल और हमास की लड़ाई के बीच जिन लोगों की जाने गई हैं, वहां जाने से रोका गया है लोगों को। मैम, प्लीज टेल मी, टुवर्ड्स गोइंग टू सदर्न पार्ट ऑफ दिस इसराइल, व्हाट इज द सिचुएशन लाइक नाउ? वी कैनॉट वर्क, वी कैनॉट बी anywhere, we need to go home. Now I'm going home, everything is shattered, we need to be to wait and to fix it. Now my house in one room don't available to my children. We got the big the room for the you have safe zone room. Can you show me? Yeah. Can you show me? I will show you. Ankita, aapko dikhate hain safe zone. अगर आप वहां हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पहुंचना होगा। अगर मिसाइल के सायरन की आवाज आती है तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में, अपने दर्शकों को यह भी बता दें, एस्केलोन गाजा पट्टी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां जब मिसाइल से हमला होता है तो इसराइल की सेना को रिएक्ट करने में, यानी उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको रिएक्ट करने का वक्त 30 सेकंड का होता है। लेकिन अगर आप तेल अवीव, जो कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, वहाँ अगर आप मिसाइल छोड़ते हैं तो वहाँ रिएक्ट करने का समय 1 से 1.5 मिनट का होता है। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको सेफ जोन में जाना होगा। अप स्टेयर्स, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे वहाँ जाए। आप हम ऊपर, ठीक है नीरज, आप हमें वो सेफ जोन दिखाइएगा कि आखिर किस तरीके से जो है लोगों के पास कितना कम समय होता है। जो दर्शक अभी न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, आप समझिए कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, पूरे शहर में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, और मात्र आपके पास समय होता है सिर्फ 30 सेकंड का। 30 सेकंड में अगर आप उस सेफ जोन, उस बंकर में पहुंच गए हैं, तभी आप सुरक्षित बच पाएंगे, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया था उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था। नीरज, मुझे वो सेफ जोन दिखा रहे, नीरज देखिए, पहले आपको यहां दिखा दें, यहां वाटर रखा गया है। अगर आपको कई दिनों तक रखना पड़े, वाटर पहले से रखा गया है, पानी की व्यवस्था की गई, यहां भी हालात बहुत खराब है। दिस इज सेफ जोन? दिस इज सेफ जोन। हाउ इज इट सेफ जोन एंड व्हाई अदर पार्ट्स ऑफ योर हाउस इज नॉट सेफ जोन? दिस इज सेफ जोन फॉर 4 अपार्टमेंट्स इन दिस बिल्डिंग, नो सेफ जोन इन द हाउस, इज आउट ऑफ द हाउस। दिस इज कंक्रीट बिल्डिंग,
And this is safe because in the middle of the building, this is concrete. This is the room, the only room in the building on concrete. All floor, they got the same room, and all four apartments, the time of something happened, they came here. देखिए जब भी कुछ हो, अगर सायरन की आवाज आती है, मिसाइल का अलर्ट आता है, आपके पास एक से डेढ़ मिनट का वक्त होता है, लेकिन एस्केलोन में तो वो वक्त आपके पास 30 सेकंड से एक मिनट का है. तो चार अपार्टमेंट के लोग यहीं आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आ गए तो सुरक्षित है. बहुत घरों के अंदर इस तरह के सेफ जोन बनाए गए, कंक्रीट के बने होते हैं, सामान्य जो इमारत होती है. यहां अगर मिसाइल भी आता है तो उसे उसके इफेक्ट की जद में नहीं आएगा. मिसाइल गिरेगा भी तो पहले बिल्डिंग दूसरी तरफ है, और भी इमारतें हैं, उससे होकर गुजरना होगा. तो सेफ जोन जब बनाया जाता है, बिल्कुल नीरज, यहां और हर घर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जो सेफ जोन बने हुए हैं, ये कंक्रीट के बने हुए हैं, मिसाइल भी दागी जाती है तो इन पर असर नहीं पड़ता. लेकिन लोगों के पास इतना कम समय है कि लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर किस तरफ भागे. मैं लौटूंगी नीरज आपके पास. लेकिन देखिए, इसराइल में हमास के हमले के चौथे दिन भी खौफ और सन्नाटा छाया हुआ है. हमास के आतंकी गाजा पट्टी से सटे हुए इसराइल के सीमावर्ती शहरों पर रह रहकर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं. और जिस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम इसराइल के एस्केलोन शहर में मौजूद थी, उसी वक्त हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागी. आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं. इजराइल में आसमान से मौत कब बरस जाए कुछ पता नहीं. इजराइल में सड़क पर चलती कार पर मिसाइल कब आकर गिर जाए कुछ पता नहीं. और इजराइल में जो घर से बाहर निकला उसके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से एक साथ 7,000 रॉकेट इसराइल की जमीन को खून से रंगने के लिए उड़े, जिसे देखकर पूरे इसराइल में अफरा तफरी मच गई. सायरन सुनते ही सड़क, बाजार, स्कूल, ऑफिस और पार्कों में मौजूद लोग अपने घरों की ओर दौड़े. जो खुशनसीब थे वो अपने घरों में बने बंकरों में महफूज हो गए, बाकी लोग हमेशा के लिए दफन हो गए. इसराइल में ठीक वैसा ही आलम हमले के चार दिन बाद भी है. मंगलवार को भी सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े. न्यूज 18 की टीम ने इसराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस किया. न्यूज 18 की टीम इसराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था, वो शहर है एस्केलोन. इसी दौरान हमले में एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट दाग दिए गए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी. इधर रॉकेट, रॉकेट, यहाँ धुआं, आप देख सकते हैं. इसराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एस्केलोन, जहां हमास ने हमला किया, दक्षिणी शहर है इसराइल का. और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दें. एस्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इसराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है. यहाँ से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं. और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं, बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे. लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं. लोगों में भय का माहौल है, चिंता है, और लगातार इसराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं. ये सायरन की आवाजें, जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं. हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं गाड़ी से, हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट, आप देख सकते हैं. करम दिखाइए रॉकेट, रॉकेट इधर, रॉकेट, रॉकेट, यहाँ धुआं, आप देख सकते हैं किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं. ये बिल्कुल वॉर जोन है, लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है इसराइल और हमास के बीच में. जो स्थिति है, न्यूज 18 इंडिया की टीम
जे टीम इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग, यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई, सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं, जो रोड पर कुछ लोग थे वो देख सकते हैं गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे, करम आप तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ, हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है, ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है, बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जा रहे, इधर की तस्वीरें दिखाइए। न्यूज 18 की टीम के साथ भारतीय मूल का एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इजराइल में सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित जगह तलाश कर वहां छिप जाते हैं ताकि हमास के हमलों के शिकार ना हो। इस परिवार ने भी यही किया, जैसे ही सायरन सुनाई देने लगा वैसे ही उस परिवार ने बीच सड़क पर कार रुकवा कर सभी को नीचे उतरने को कहा और सभी लोग एक दीवार की आड़ में छिप गए। अरे सर, रिकी शाही है, रिकी जी अभी हमने जो माहौल देखा पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे, इसी तरह से बार बार हो रहा है? यस दिस इज आवर लाइफ, वी आर डूइंग दिस ऑल द टाइम, दिस व्हाट वी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम्स, ऑल द डेज, ऑल द नाइट, एंड यू जस्ट नाउ। बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से हिला था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और पूरा का पूरा, तो इसी तरह की स्थिति होती है। आप गाड़ी से उतर गई, ऐसा हिदायत दी गई है? यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, इफ वी हैव अ मिसाइल यू हैव टू कम एंड बी विद नियर द वॉल, बिकॉज़ द वॉल इज सेफ टू यू। आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमारे आगे थी, वहां से एक महिला निकली, वहां दुबक के छिप गई, क्योंकि दीवार के नीचे जब आप जाते हैं तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं, ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर, ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी, और यहाँ एक भारतीय मूल का परिवार था जो बहुत पहले इजराइल आ चुके हैं, यहूदी परिवार के, और किस तरह से हम लोग खुद गाड़ी छोड़ के भागे। यहाँ रुकना उचित है? अब इट इज सेफ टू बी हियर, it is safe to be here, it's now it's safe but it can be anytime। यानी कि इजराइल के आसमान में मौत कब और कहां बरस जाए किसी को पता नहीं है, इसीलिए युद्ध के इस माहौल में लोग अपने घरों में रहने में भी अपनी भलाई समझ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजारों में दुकानों के शटर डाउन हैं। नरसंहार और कोहराम चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हमारे सहयोगी नीरज का एक बार हम फिर रुख कर लेंगे। नीरज, ऐसी सिचुएशन में क्या नेगोशिएशन की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है हमास और इजराइल के बीच में? देखिए, खबर आई है कि हमास ने संकेत दिया, लेकिन अभी इस तरह से आधिकारिक कोई बात